भाई भाई उठ भाई, जल्दी उठ, जल्दी उठ जा भाई, जल्दी उठ जा। क्या हो गया यार, क्या हुआ तेरे को? क्या उठ तो गया मैं, बट तेरे को हुआ क्या है ब्रो? कहाँ है तू? अबे कहाँ, अबे तू तो सेफ है, तू तू ऐसे रो क्यों रहा था अभी? मैं भाई, मैं कब रो रहा था? तूने भाई किसकी आवाज सुन ली? मैं तो अभी अभी सोकर आ रहा हूँ, मैंने तेरी आवाज सुन ली तो मैं उठ के आ गया। चल यहाँ पर ये टेस्टी टेस्टी सा केक खाते हैं मिलके। भाई क्या तू पागल है क्या? मतलब तूने मेरे को पहले जगाया, अब तू बोल रहा केक खा लो? तू सच में पागल ही हो गया लगता है। चल छोड़ यार, तूने उठा दिया तो मैं खाना खा ही लेता हूँ, थोड़ा केक वगैरह। लेकिन तूने ये मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। अबे अबे ये कौन है भाई विंडो पे? ये तो वाइट घोस्ट है, पीछे देख, पीछे देख भाई अपने। वाइट घोस्ट? हमारी विंडो में वाइट घोस्ट कहाँ से आएगा भाई? मुझे वैसे उसके नाम से इतना डर लगता है, और तो उसका इनाम मेरे सामने लिए जा रहा है। भाई तू पागल हो गया है क्या? अबे पीछे देख, वो देख, तेरे को दिखा क्या वो? नहीं भाई मुझे कोई नहीं दिखा। भाई तू पागल ही हो गया मुझे लग रहा है। ओ माय गॉड, ये कहाँ गायब हो गया मेरा दोस्त? गाइस मेरा दोस्त कहाँ गायब हो गया भाई? बोलते बोलते पता नहीं, मुझे लगता है ये मेरे साथ बहुत ही बड़ा स्कैम किया गया है, और मेरा दोस्त यहाँ से गायब हो चुका है, और एक वाइट घोस्ट मेरे पीछे पड़ गया है, और ये मैं कहाँ गिर रहा हूँ? शिट। हे गाइस, मैं पता नहीं कहाँ पे आ चुका हूँ, एंड मेरे पीछे वाइट घोस्ट पड़ गया था और मैं उस केव के अंदर गिर गया था, तो अब मैं पता नहीं कहाँ पे स्पॉन हो चुका हूँ। ये बहुत ही नया घर है, और ये क्या, यहाँ पर तो मेरा दोस्त भी है, और आई थिंक ये मेरा रियल दोस्त है। भाई हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं? ये किसका हाउस है? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? भाई मुझे नहीं पता, हम लोग कहीं और ही आ चुके हैं, क्योंकि इस वाइट घोस्ट ने हमें भाई वहाँ पे हमको शायद, नहीं नहीं हम लोग गिर गए थे उसके अंदर। लेकिन वेट, ये देख घर में क्या हो रहा है हमारे, ये देख विंडो, सारे विंडो टूट चुके हैं। अबे भाई यहाँ पर जितने विंडो थे वो सारे के सारे टूट गए, और यहाँ पर खतरनाक स्कैरी आवाजें भी आ रही हैं। यार जल्दी से विंडो बंद करते हैं चल मिलके। ओके सारे जहाँ जहाँ टूटे हैं सारे के सारे प्लैंक्स लगा देंगे उन जगह पे, ताकि भाई कोई मुसीबत ना हो। भाई यार चलो बंद करो सारे के सारे विंडो को, भाई बहुत सारे ओपन है, फटाफट बंद करो। और मुझे लगता है रात होने वाली है, और पक्का कोई आने वाला है हमको अटैक करने के लिए, इसीलिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए बंद करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर रात भी होने वाली है, और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वाइट घोस्ट अपनी फैमिली या फिर अकेले हम पे अटैक कर सकता है कैसे भी करके, तो हमें यहाँ पर एकदम सेफ्टी के साथ रहना पड़ेगा। और हमें सेफ्टी के साथ साथ एक बात का और भी ध्यान रखना पड़ेगा, कि जो वाइट घोस्ट है वो किसी भी हालत में हमारे घर में घुस ना पाए, हमें अलर्ट भी रहना पड़ेगा। और हमें कुछ ऐसे वेपन की तलाश है, जिससे कि हम लोग उस वाइट घोस्ट, अगर वो मतलब बाई चांस घुस भी आता है हमारे घर के अंदर, तो हम उससे फाइट कर पाएँ। लेकिन मुझे लगता है कोई ना कोई पक्का आने वाला है। रुको मैं सीसीटीवी कैमरे में चेक करूँ क्या, चेक करूँ क्या कैमरे में मैं? हाँ चल चल चेक करते हैं, देखते हैं कोई आया तो नहीं है हमारे घर के बाहर या फिर आस पास। ओ ये देख भाई, ये देख हमारे घर के बाहर ये प्लैंक लगे हैं ना विंडो पे, ये देख हमारे घर के बाहर ये लोग कैसे घूम रहे हैं पूरा झुंड बना के। भाई तेरे को डर लग रहा है क्या देख के इनको? भाई डर नहीं, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि भाई ये पूरी की पूरी फैमिली लेके आया है हमें मारने के लिए। भाई तूने बिल्कुल सही कहा था, ये लोग पूरी फैमिली लेके बाहर ही खड़े हुए हैं, मतलब जैसे ही हम लोग कुछ करेंगे ये लोग हमारे ऊपर हमला कर देंगे, और यहाँ पे एक नहीं तीन तीन घोस्ट हैं, एंड ये गेट के बाहर ही खड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या करें भाई? भाई मुझे क्या पता, तू जा कहाँ रहा है तो बता। भाई रुक जा भाई, मुझे लेके चल यार, जहाँ भी जा रहा है ये सीक्रेट बेसमेंट है। हो भाई ये देख, ये मेरी बेसमेंट है, मैंने ये बहुत सालों पहले बनाई थी लिटरली। यहाँ पे देख हम लोग कुछ देर के लिए सरवाइव कर सकते हैं, तू यहाँ पे एकदम आराम से रह, ठीक है? देखो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वाइट घोस्ट किसी भी हालत में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही सीक्रेट है। अब चेक करता हूँ कि वो कहाँ पे है, ठीक है? चेक करता हूँ, रुको रुको मेरे को ऑन कर दो। ओके रुको भाई, वेट। ओह शिट, मेरा दोस्त भाई, मेरा दोस्त ही क्या बन गया गाइस, देखो मेरा दोस्त ही क्या बन गया, वाइट घोस्ट। ओह माय गॉड, मतलब मेरा दोस्त वाइट घोस्ट में कन्वर्ट हो गया, वो तीनों के तीनों। गाइस मेरा दोस्त यहाँ पे चला कहाँ गया भाई? पता नहीं, या तो उसको वाइट घोस्ट ने कहीं बंद कर दिया है, या फिर वो वाइट घोस्ट में कन्वर्ट हो गया, कुछ ना कुछ तो पक्का हुआ है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या हुआ है। सो मैं तो अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, बट वो यहाँ पे कहीं नहीं है। बट वेट, मेरे ऊपर एक ऊपर देखते हैं ये क्या है भाई यहाँ पे।
ओके तो मेरा घर का ऊपर का हिस्सा है बट यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा ना भाई। लेकिन मेरा दोस्त आखिर चला कहाँ गया? रुको, यहाँ मेरा सीसीटीवी का सिस्टम है कंप्यूटर वाला, उसमें मैं चेक करूँगा कि आखिर मेरा दोस्त कहाँ पे है यार, ढूंढना पड़ेगा उसको। और गाइस मुझे अपने दोस्त को ढूंढने के साथ साथ वाइट घोस्ट को भी अकेले ही मारना है क्योंकि मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है। और अगर मेरा दोस्त तो मेरे को मिलता है दोबारा तो हम लोग दोबारा उसको वाइट घोस्ट को मारेंगे मिलके, लेकिन अभी तो मेरे साथ दोस्त नहीं है तो मैं अकेला हूँ तो मेरे को अकेले ही मारना पड़ेगा। बट पहले चेक करता हूँ कंप्यूटर में। वेट, ये देखो दोस्त, ये देखो गाइस, मेरा दोस्त सामने बैठा हुआ है और ये तीनों के तीनों जो वाइट घोस्ट हैं वो मेरे दोस्त को पता नहीं क्यों मार रहे हैं। भाई मत मारो उसे, नो 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 भाई, वो उसको मार रहे हैं और वो बहुत ही बुरी हालत में है। और ये देखो जो मेरा दोस्त है वो उनको खाने के लिए कुकी दे रहा है और पता नहीं ये कुकी इन्हें क्यों दे रहा है। भाई मुझे बचाना पड़ेगा दोस्त को अपने। गाइस मैंने देख लिया कि मेरा दोस्त कहाँ पे है और मेरे को पता लग चुका है कि वो नीचे घर में ही है और लेकिन वाइट घोस्ट ने उसको बंद करके रखा हुआ है। और मुझे अपने दोस्त को बचाने के लिए मैंने यहाँ से गन ले ली है क्योंकि वो मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है तो मेरे को उसको बचाना ही पड़ेगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। एंड मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो मेरा दोस्त है वो मेरे घर में नहीं था, वो सामने ये घर है येलो वाला, इसके अंदर बैठा हुआ है। लिटरली ये घर एक बहुत ही सीक्रेट घर है। ओके इसके अंदर कोई जाता नहीं है घर के अंदर। वो देखो सामने बैठा हुआ है, वो वाइट घोस्ट मेरे को दिख रहे हैं यहाँ से। अब रुको रुको, मेरे पास एक प्लान है। मैं एकदम आराम से स्कोप ला के देखता हूँ कि आखिर ये कर क्या रहे हैं भाई। ओके तो तीनों के तीनों यहाँ पे पूरी फैमिली है वो खड़ी हुई है वाइट घोस्ट की। एंड ये आई थिंक मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं आऊँगा अपने दोस्त को बचाने के लिए और कभी मेरे को भी बंद कर देंगे यहाँ पे। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इनकी बातों में आके यहाँ बंद हो जाऊँगा। मैं तो अपने दोस्त को बचाऊँगा भी और इस बंदे को तीनों को मारूंगा भी। ये देखो ये रहा मेरा दोस्त, वाओ। लेकिन ये लोग हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? लगता है इन्हें कुछ हो गया है कुछ देर के लिए या फिर मेरे दोस्त ने कुछ किया होगा। ओके मेरा दोस्त यहाँ पे पूरा फ्री है भाई, मेरे को ये बहुत ही अच्छा टाइम दोस्त को बचाने का। सो गाइस अब मेरे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया है और वो आइडिया ये है कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं जा रहा हूँ उस आइडिया को पूरा करने के लिए। और इस आइडिया को ट्राई करने के बाद शायद मेरा दोस्त पूरी तरह से वहाँ से बाहर निकल आएगा और मैं अपने दोस्त को बचा लूँगा। सो इस आइडिया को ट्राई करने के लिए मुझे पहले अपने घर पे जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। सो हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं एंड अभी रुको मैं जा रहा हूँ अपने घर में। वेट मैं देखता हूँ पहले वो सामने घर है। ओके पहले मैं अपने चेस्ट से कुछ बनाने वाला हूँ। ओके मैं बनाऊंगा पहले आर्मर जो कि एकदम लेदर का होने वाला है। ओके तो पता है इससे फ़ायदा क्या है? ये एकदम गाइस घास के कलर का है, यानी कि ये ग्रास के मतलब रंग का कलर का है ना, तो वैसे ये मैच करेगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड और वाइट घोस्ट हैं वो मेरे को घास के बीच में पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी घास है और उन्हें लगेगा कि मैं भी एक घास हूँ तो शायद वो लोग मुझे छोड़ देंगे। सो इसीलिए मैं घास बन के मतलब घास के जैसा आर्मर पहन के जा रहा हूँ ताकि उनको लगेगा कि मैं एक घास हूँ ना कि इंसान हूँ। वैसे ये बहुत ही स्टूपिड आइडिया है एंड ये आइडिया वर्क नहीं करने पड़ा है बट आई विल ट्राई, मैं ट्राई करके देखूंगा भाई क्या पता काम कर जाए। और इनके सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को अभी भी नोटिस नहीं किया है तो देखता हूँ भाई क्या होता है कि ये मेरे को नोटिस करेंगे। ओ आराम से आराम से, ओ वो लोग आ रहे हैं। शिट ये देखो मेरे सामने तीनों के तीनों वाइट घोस्ट खड़े हैं और ये मेरे को ना देखें तो अच्छी बात है। ओ ये मेरे को नहीं देख पा रहे हैं भाई। भाई ये क्या हो रहा है? मतलब मैंने तो सिर्फ आर्मर पहनना है तो ये मेरे को पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? भाई मेरे को एकदम आराम से आगे बढ़ना पड़ेगा स्लोली स्लोली ताकि ये लोग मेरे को देख ना पाएं। ओके ओके मैं जा रहा हूँ आगे। चलो फटाफट भाई निकलता हूँ मैं, अंदर जाके दोस्त को बचाऊंगा अपने। वेट ये वाइट वॉश क्या कर रहा है भाई? ओ ओ ओ ओ इसने मेरे को देख लिया। शिट शिट ओ शिट, भागो। माय गॉड ये क्या हो गया भाई? ये भाई प्लान फेल हो गया। भागो फटाफट भागो यहाँ से भाई, मेरे को मैं मर जाऊंगा। ओ शिट यार मेरा एक प्लान तो पूरा बर्बाद हो चुका है लेकिन मेरे सामने अभी एक और प्लान टू है जिसको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। वो देखो मेरे सामने खड़ा हुए हैं तीनों के तीनों वाइट घोस्ट जो कि मेरे को ही देख रहे हैं यार। और मेरी हालत देखो, मेरे आंखों में दो दो तीर लगे हुए हैं और लिटरली मेरे को बहुत ही पेन भी हो रहा है लेकिन मैं अभी गिव अप नहीं करने वाला। मेरे पास एक बहुत ही यूनिक आइडिया है जो कि आप लोग शायद जानते होंगे वो आइडिया क्या है। सो मैं अब जाने वाला हूँ इस घर के अंदर ड्रिल मशीन करके एंड मैं सीधे वहाँ से निकलने वाला हूँ अपने दोस्त के पास। एंड वहाँ से अपने दोस्त को छुड़ाने के बाद फिर मैं अपने दोस्त को लेके जाऊंगा अपने घर पे अपने साथ और वाइट घोस्ट को वहीं पे मारूंगा। सो क्या मैं इस प्लान को सक्सेसफुल कर पाऊंगा? लगता है भाई ये प्लान आई थिंक हो सकता है क्योंकि ये प्लान बहुत ही
बहुत ही पुराना है और ये काफ़ी वर्किंग प्लान है। सो देखते हैं भाई क्या होता है, कि क्या पता वो वाइट वॉश मेरे को वहीं रास्ते में मिल जाए भाई यहीं पे खोदते खोदते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो लोग ऊपर हैं तो मैं तो नीचे हूँ ना, तो वो ऊपर से नीचे क्यों आएंगे पागल बन के, वो क्यों आएंगे यहाँ पे नीचे ना, उनको तो काम ऊपर है ना, फिर तो ऊपर वो यहाँ पे देख रहे हैं ना, सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो वो नीचे क्यों आएंगे ना, वो नीचे नहीं आएंगे। ओके तो ये मैं एकदम आराम से कर सकता हूँ। सो मेरे को जाना है अभी इस ड्रिल करते करते बहुत दूर, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा ड्रिल करना है, इतना ज़्यादा ड्रिल करना है कि भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा करने का है, मतलब इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है भाई, बहुत ही करना है भाई। तो चलो भाई करते हैं मेहनत, क्योंकि मेहनत करके अपने दोस्त को बचाया जा सकता है। सो चलो बचाएंगे अपने दोस्त को और उससे बोलेंगे कि भाई तू कैसा है। भाई यार मेरा पोपट हो चुका है यार, मैं मतलब खोते खोते बहुत थक चुका हूँ, और मतलब ये काम जितना आसान था उतना आसान है नहीं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है भाई। तो मेरे को करते करते भिंडी बिक गई है मेरी, लेकिन मेरे को ये काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सो रुको रुको, मेरे को अभी ओ भाई वो सामने खड़े हैं मेरे यार, मेरा ही वेट कर रहे हैं क्या? लेकिन मैं इनके पास अभी जाऊंगा ही नहीं, मेरे को इनसे फाइट करनी नहीं है, मेरे को सिर्फ अपने दोस्त को बचा के यहाँ से भागने का है। भाई इनके चेहरे कितने खतरनाक और डरावने हैं भाई, इनको देखो तो भूत भी शर्मा जाए भाई, मतलब ये कितने ज़्यादा स्कैरी हैं लिटरली। मेरे को भाई नहीं फाइट कर रही इनसे भाई, मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है अभी। रुको रुको रुको, हमारा काम अप्रॉक्स होने वाला, क्योंकि हम लोग आई थिंक एक सही लोकेशन पे माइन कर रहे हैं। रुको रुको, मेरे को भाई बहुत ही अच्छा आइडिया आ रहा है, लेकिन पता है गाइस मैं पिछले 2 घंटे से माइन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ इतना ही कर पाया हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है यार, आप लोगों से नहीं हो पाएगा। आप लोग कर लोगे, आई थिंक आप लोग कर लोगे, आप लोग बहुत ही मेहनती हो, लेकिन मेरे से तो नहीं हो रहा भाई, मैं बहुत ही आलसी इंसान हूँ। ओ पानी कहाँ से निकला है, बंद करो भैया जी पानी। ओके तो मैं आ चुका हूँ एकदम राइट लोकेशन पे, और मैं आई थिंक कुछ ही देर में अपने दोस्त के करीब पहुँचने वाला हूँ। सोरकोर को आई थिंक यही लोकेशन है, ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे है या फिर नहीं है दोस्त मेरा, किसके ऊपर होगा, खोदता हूँ इसको। ओके 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 ओके, आ चुका हूँ मैं गाइस, देखो मैं आ चुका हूँ दोस्त को बचाने के लिए, मेरे भाई को। तो देखते हैं वो कहाँ पे है, लिटरली घर के अंदर। ये रहा, ओबे इसको तो कुर्सी के ऊपर बांध रखा है। ओ भाई रुको, इसको छुड़ाते हैं। बचाओ बचाओ भाई, कोई बचाओ यार यहाँ से, मुझे कोई खोलो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार, कोई बचाओ मुझे। तू भाई चिंता मत कर, मैं तेरे को बचाने के लिए आ चुका हूँ। भाई यार तू इतनी देर में आया, उन लोगों ने मुझे इतना मारा भाई, मेरी पॉटी निकल गई। अबे यार तेरी पॉटी निकल गई, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, तेरी पॉटी नहीं कुछ और निकला होगा भाई, तू आई थिंक भूल गया। भाई उन लोगों ने मुझे इतने सारे चनकट मारे भाई, इतने ज्यादा थप्पड़ मारे भाई, मैं तो कभी भी नहीं जाने वाला। ये क्या है भाई? बे ये मेरा कमाल भाई, तेरे को बचाने के लिए किया मैंने ये सब, समझा, वरना ये काम मैं करता नहीं हूँ कभी। इतनी खतरनाक सीक्रेट बेसमेंट, मतलब यार ये तो बहुत ज्यादा काम की है। वाओ भाई, अब तो मैं कभी भी वहां से यहाँ आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। भाई मैंने तेरी खेलने के लिए नहीं बनाई है भाई, व्हाइट घोस्ट आ रहा है, भागो यहाँ से भाई, भाग, व्हाइट घोस्ट आ रहा है हमारे पीछे। उसने हमारी बातें सुन ली क्या भाई? नहीं, उसको पता लगा कि मैं तेरे को छुड़ाने के लिए आया हूँ, और वो अब बहुत ही गुस्सा होकर हमारे पीछे पड़ चुका है। अबे निकल यहाँ से फटाफट, भाग, टाइम नहीं बिल्कुल भी, फटाफट भाग, कुछ कर। क्या कर रहा है तू, भी मेरे को मरवाएगा क्या भाई? तू खुद तो आगे भाग रहा है। अबे भाग यार, तो रुक मत। अबे यहाँ पर इतने सारे व्हाइट घोस्ट आते जा रहे हैं, हम लोग अब किधर भागें भाई? कुछ तो बता यार, किधर जाने का किधर है? अबे मुझे नहीं पता भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं लिटरली, क्योंकि मेरे को सिर्फ अभी भागना ही सूझ रहा है। जरूर गेट बंद कर। ओके तो गाइस हम लोग अपने घर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे जो व्हाइट घोस्ट है वो हमारे घर के बाहर ही खड़े हुए हैं, तो उनसे बचने के लिए हम लोग कुछ करना पड़ेगा भाई, लिटरली हम लोग अपने घर में। ओ भी ये देख, ये विंडो किसने तोड़ा यहाँ पे? तोड़ा नहीं है भाई, वो पहले से ऐसा है, यहाँ से हम लोग नीचे से देख सकते हैं। अबे यार ये लोग तो देखो भाई, ये वाला व्हाइट घोस्ट तो डोर तोड़ने के चक्कर में है भाई, इसने डोर तोड़ दिया, फिर हमारा क्या होगा भाई? कुछ सोच ले पहले से भाई, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा कैसे भी करके। भाई क्या ये पागल हो गया, व्हाइट घोस्ट हमारे घर में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा है भाई? लेकिन अगर ये घुस गया तो क्या होगा हमारा भाई? लगता है हमारी यहाँ पे शामत आने वाली है।
यार एक घंटे से ज्यादा हो चुका है और ये लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है इन लोगों को मेरे को मार के जाना है क्या भाई? भाई चले जाओ ना यहाँ से प्लीज वाइट गोस्ट, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ प्लीज यहाँ से, मैं बहुत ही परेशान हूँ। तुम जा रहे हो? ओ वाओ, ये देख वो चला गया। व्हाट भाई, तेरी क्या दोस्ती है क्या दोस्त भाई भूतों से? मतलब तूने एक बार कहा तो वो एक ही बार में चले गए अपने हाउस में। यार ये कुछ हजम नहीं हुआ मेरे भाई। हजम तो मेरे को भी नहीं हुआ, लगता है इनकी कोई चाल है। आई थिंक वो चाल नहीं है, वो सच में चले गए हैं। और वो लोग कभी नाटक नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग एक भूत हैं और भूत कभी नाटक नहीं करते, तो मेरे को लगता है वो लोग चले गए हैं ना। चल तू छोड़ भाई, अब अपने का अपना टाइम आ चुका है ऐश करने का, कि वो लोग भाग चुके हैं। ये भाई एक बात सुन, यहाँ पे देख मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। एक बात पता क्या, ये लोग इस घर के अंदर सो रहे हैं और ये घर बाहर से खुला हुआ है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे बिल्ड बनाएं जिससे कि ये लोग बाहर ही ना पाएं और अंदर के अंदर ही मर जाएं। हाँ यार ये भी एकदम बात ठीक है, मतलब हम लोग वो लोग अभी सो रहे हैं तो इस भाई इस टाइम का यूज करके हम लोग खतरनाक वाला ट्रैप बना सकते हैं और वो लोग कभी बाहर नहीं आ पाएंगे यार। तो हम लोग अपने घर में भी सिक्योरिटी बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए तो भाई हमारे घर में आके ब्लास्ट हो जाए। भाई खतरनाक वाला ट्रैप बनाना कि एक ही बार में वो लोग मर जाए। ओके भाई मैं बहुत ही खतरनाक ट्रैप बनाऊंगा। और अच्छा वही आइडिया हमारे दिमाग में आ गया, वरना हम लोग तो ये सोचते भी नहीं। और वो लोग हमारे वर्ल्ड में अभी तक जिंदा रहते और वो हमेशा हमको परेशान करते रहते, तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और ये लोग अब कभी भी हमको फिर मार नहीं पाएंगे। और वेट करो भाई, हम लोग अपने घर में पहले TNT को बिछाते हैं ताकि अगर वो लोग वहाँ से बाहर निकल के हमारे घर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोग TNT को बनाते हैं। एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई हम लोग? भाई मैं तो ये सोचे पड़ा हूँ कि भाई तू हमारे घर में तो मतलब TNT बिछा रहा है, मतलब यार इससे हमारा घर ब्लास्ट तो हो जाएगा ना, मैं फिर हम लोग रहेंगे कहाँ पर? अबे हम लोग तो दूसरा घर बना लेंगे, बट ये वाइट गोस्ट जो है ना वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बता, ये बात अच्छा है कि हम लोग अपना घर बना लेंगे या फिर ये हमको हमेशा मारेंगे, कौन सी बात अच्छी है बता? भाई हम लोगों को बस इन्हें ख़त्म करना है भाई, घर तो कभी भी कहीं भी बन जाएगा, बस इन्हें कैसे भी करके हमें इस वर्ल्ड से भगाना है भाई, मारना है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, इन लोगों को पहले ख़त्म करते हैं उसके बाद हम लोग घर तो अपना बना ही लेंगे भाई, हम तो माइनक्राफ्ट के बहुत ही प्रो बंदे हैं ना। सो ये देखो हम लोगों ने, देख ये मैंने ये कर लिया ना, ये देख मैंने पूरे घर में TNT बिछा दिए हैं और मैंने यहाँ पे लीवर को कनेक्ट कर दिया है ताकि जैसे ही यहाँ पे मैं दबाऊंगा लीवर को फिर वैसे ही उस घर में ब्लास्ट हो जाएगा। ओके तो ये बहुत ही अच्छा ट्रैप है, जैसे ही वाइट वॉश हमारे घर के अंदर आएगा हम पूरे घर को ब्लास्ट करने वाले हैं एंड वो पूरा घर ब्लास्ट हो जाएगा और वाइट घोस्ट भी यहाँ पे मर जाएगा। अब मुझे सिर्फ इंतज़ार है रात का, जैसे ही रात होगी यहाँ पे वाइट घोस्ट यहाँ पे आने वाला है एंड फिर देखते हैं क्या होता है। यस अबे भाई यहाँ पर रात हो चुकी है, अबे ये लोग क्या कर रहे हैं? भाई ये लोग तो हमारे घर में TNT बिछा के भाई ब्लास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अब ये लोग अंदर आने वाले हैं। ओ माय गॉड, इन लोगों ने बाहर का दरवाजा TNT लगा के फोड़ दिया। लगता है हमारा ट्रैप फेल होने वाला है, लेकिन हमको यहाँ से भाग के डायरेक्ट उस लीवर को दबाने का है और फिर उसके बाद ये लोग खुद ही ब्लास्ट हो जाएंगे। ओके भाई भागने किधर से, हमने तो वो प्लान ही नहीं बनाया भाई, ऐसे ही भागते हैं। चलो जल्दी से आ जा, आ रहा हूँ भाई, मैं भी आ रहा हूँ। ओके एकदम रेडी रहना, जैसे वो लोग बीच में आए पैसे ब्लास्ट कर देना। ओके मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तू भी यहाँ पे आ चुका है, तो क्या मैं इसको दबाऊँ? ओके वेट वेट वेट, एकदम सही मौका देख के दबा देना, बस उनको बीच में आने दो यार, ये तो साइड में जा रहे हैं। ओके दबा दे भाई। ओके मैं दबाने वाला हूँ भाई, फिर जो होने वाला है मुझे नहीं पता। ओके मैंने दबा दिया यहाँ पे लेवर और घर में ब्लास्ट होने वाला है, वो लोग हमारे घर में ही है और ब्लास्ट हो चुका है। ये ओके ब्लास्ट अप, लेकिन वाइट गोस्ट तो नहीं मरा भाई, वो तो हमारे सामने जिंदा खड़ा हुआ है और अब वो हमको मारने के लिए आ रहा है। कुछ कर भाई, कुछ कर, इसको 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 मार, लावा से मार। ओके रुक जा, मैं कुछ कर दूंगा क्योंकि ये लास्ट है और इसको हम लोग मिलकर आराम से मार सकते हैं। ओके मैंने लावा डाल दिया, अब ये आग नहीं बढ़ पाएगा, अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है, अब समझ लो ये मर गया ना भाई। मर क्यों नहीं रहा ये भाई? मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं मर रहा है, तू मतलब तूने लावा फेंका, तू ही बता ना भाई। ये लगता है ये कभी मरेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा घोस्ट है जिसको कोई मार ही नहीं सकता। ओ ये दोबारा जिंदा हो चुका है और अब ये हमें मार कर रहेगा।
भाई रुको मैं उसको एरो से मारता हूँ, शायद कुछ हो जाए। भाई गॉड प्लीज हेल्प मी, गॉड प्लीज हेल्प मी, गॉड प्लीज हेल्प मी, इनको बचाओ गॉड। भाई अब कोई फायदा नहीं है इसको मारने का, भाई अब ये नहीं मरने वाला, लग रहा है कि अब हम लोगों को इसको नेक्स्ट बार ही मारना पड़ेगा। हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, अब हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में मारेंगे, तो चलो भाई नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं भाई, चलो।